एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत ने हर किसी को तगड़ा झटका दिया है। गुरुवार की सुबह सिद्धार्थ की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। किसी को भी यकीन नहीं है कि सिद्धार्थ इस दुनिया में अब नहीं है। सिद्धार्थ की खास दोस्त शहनाज गिल का तो बुरा हाल है। शहनाज के पिता संतोष सिंह ने हाल ही बताया था कि सिद्धार्थ की मौत के बाद से शहनाज बात करने की स्थिति तक में नहीं है, वह कुछ बोल नहीं पा रही है। इसी बीच ये पता चला है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज की गोद में आखिरी सांस ली है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ बुधवार रात को 9:30 बजे घर वापस आए थे और तब उन्होंने बेचैनी होने की शिकायत की थी। उस वक्त घर पर सिद्धार्थ की मां और शहनाज गिल मौजूद थी। पहले तो उन्होंने सिद्धार्थ को नींबू पानी दिया और फिर आइसक्रीम भी खिलाई ताकि सिद्धार्थ को आराम महसूस हो, लेकिन सिद्धार्थ को आराम नहीं मिला। उन्हें फिर सीने में दर्द और बेचैनी होने लगी। तब उनकी माँ और शहनाज ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला सो नहीं पा रहे थे तो उन्होंने शहनाज को अपने पास रुकने और पेट थपथपाने के लिए कहा। 1:30 बजे के आसपास सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज की गोद में ही सो गए और नींद में ही उनकी मौत हो गई। धीरे धीरे शहनाज की भी आंख लग गई। सुबह 7:00 बजे के आसपास जब शहनाज की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ रात भर से एक ही पोजीशन में सोए हुए थे और कोई हलचल नहीं हो रही थी। ये देख शहनाज ने सिद्धार्थ को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।